सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगला हमारा यूनिट है डिमांड। डिमांड मतलब यूनिट 6 है आपका। डिमांड का मतलब बहुत ही नॉर्मल शब्द है। डिमांड का मतलब हमारी मांग क्या है। जैसे नॉर्मल भाषा में कहें डिमांड का मतलब होता है मांग से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल साइकिल से जाते हैं। अब हमारी पास हम लोग क्लास मतलब होता है साइकिल से जाते थे। अब हम लोग क्या है स्कूल वही गाड़ी से जाते हैं। साइकिल से गाड़ी की हमारी डिमांड थी। मतलब होता है एक प्रकार से जो भी हमारी इच्छा हो। डिमांड का मतलब होता है इच्छा से उसे हम मांग कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए स्वाभाविक बात है आप एक आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल खाना पीना आप खाते हैं कि चलिए आज हमारे खाने के मतलब होता है चाट खाने की इच्छा है तो हमारी मांग हो गई सर। अगर वो चाट मिल गया तो हमारी क्या हो गई मांग की पूर्ति हो गई। मांग और पूर्ति एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। ठीक है ये चीज बिल्कुल है मांग। अब देखो मांग में सबसे बड़ी चीज अर्थ समझ में आया। मांग का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु की डिमांड कर लेना या मांग कर लेना ये हमारी मांग है। मांग बन जाएगा। मांग का मतलब होता है अब यहां बात करते हैं मांग में। मांग का मतलब होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम साइकिल चढ़ रहे थे अब हम क्या है स्कूटर मतलब होता है बाइक चढ़ेंगे। ये चीज मांग हमारे पास साइकिल से अब हमारी मांग क्या हो गई स्कूटर। अब स्कूटर से हमारी क्या मांग होगी कार। कार से हमारी मांग हो गई बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार। ये हमारी मांग है। और मांग का मतलब होता है जब हमारा क्या होता है जैसे हमारे भूख लगती है हमारी भूख के प्रति क्या होती मांग अपने आप ऑटोमेटिक क्या होती बढ़ती है। ये भी मांग है। हमें जरूर बस ने एक बड़े आंसर दिया जाए मांग का जरूरत के अनुसार जो भी वस्तु मांगी जाए जरूरत के अनुसार जो भी वस्तु मांगी जाए वो हमारी मांग कहलाती है। बस समझ आए जरूरत के अनुसार जो भी वस्तु मांगी जाए जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ाते हैं तो हमें मार्कर की जरूरत है इंक की जरूरत है ये हमारी डिमांड है ये हमारी मांग है। बात समझ में आए। अब मांग मतलब कार्य के आधार पर भी मांग होता है और आय के आधार पर भी मांग होती है। ये हम आगे बात करेंगे है ना। परिभाषा दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है दिए गए मूल्य जो रेट दिया गया है रेट पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा से होती है जो किसी समय विशेष पर मूल्य पर खरीदे जाते हैं। मतलब होता है जब हमारे पास कहने का मतलब होता है वस्तु की मांग है और मांग के बाद उसको विशेष रेट पर उसको खरीदा जाए परचेस किया जाए वो हमारा विशेष मूल्य मांग कहते हैं। क्या कहते हैं विशेष मूल्य मांग कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप बन जाएगा मांग का मतलब होता है किसी भी वस्तु को खरीदने की जो इच्छा हो और उसका हम मूल्य देने के लिए तैयार हो जाएं वो हमारी मांग होती है। डिमांड के टाइप्स कितने प्रकार होते हैं लगभग तीन प्रकार हो कीमत से मांग कीमत। अब यहां मांग से मतलब कीमत के मांग मतलब ये होता है जब रेट सस्ता जैसे मान लीजिए 10 रुपया टमाटर है तो आप 2 केजी खरीदते हैं ये 5 रुपये टमाटर हो तो आप 4 केजी खरीदते हैं। ये हमारे पास रेट कीमत के आधार पर मांग बहुत ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ध्यान रखना जब कि इसलिए मतलब होता है डिमांड मतलब होता है कीमत मांग रेट बढ़ना मांग घटना। रेट रेट क्या हो जाए घट जाए मांग ऑलरेडी बढ़ जाती है। आपको याद तो होगा जब सस्ती सब्जी मिलती है तो आप लोग क्या करते हैं जहां 1 केजी खरीदने के बाद 2 केजी खरीद लेते हैं। क्या होता है मूल्य के आधार पर मतलब होता है प्राइस डिमांड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आए। जैसे किसी कीमत बढ़ती है तो हम कम खरीदते हैं जैसे किसी कीमत घटती है तो हम ज्यादा खरीदते बन जाएगा। बात समझ आए मूल्य मूल्य में वृद्धि डिमांड में कमी मांग में कमी।
अमूल्य में कमी, मांग में वृद्धि, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ओके ठीक है, मूल में वृद्धि हुई तो मांग में कमी, मूल में कमी हुई तो मांग में वृद्धि, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास है आय की मांग। आय की मांग क्या होती है? हाँ ये चीज ध्यान रखना है, आय का मतलब जितना हमारी इनकम बढ़ेगी उतने हमारी मांग बढ़ेगी, आय के आधार पर मांग बढ़ती है। जैसे हम 1 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 25 पैसा या 30 पैसा ही खर्च करना पसंद करते हैं। मान लीजिए हम 500 कमाते हैं तो उसमें हम 400-300 खर्च करने की कैपेसिटी रखने लगते हैं। तो मांग के आधार पर जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी मांग भी हमारी क्या होती है, बस समझना है। पैसा बढ़ना, पैसा वैल्यूएशन बढ़ना, थोड़ा सा केयर करें इसको अच्छे से, पैसा बढ़ना वैल्यूएशन बढ़ना, पैसा बढ़ना वैल्यूएशन बढ़ना, ये हमारे पास मांग कहलाता है। कीमत, पहले हमने कीमत मांग का, मूल्य बढ़ना, रेट बढ़ना, यदि पैसा कीमत बढ़ती है तो मांग हमारी घटती है, कीमत गिरती है मांग हमारी बढ़ती है। आय में क्या होती है? आय बढ़ेगी तो कीमत भी हमारी, आय बढ़ेगी तो मांग भी हमारी बढ़ेगी, स्वाभाविक है। जब पैसा हमारे पास आएगा तो हमारी इच्छा भी और बढ़ेगी, ऐसी इंपॉर्टेंट है। अब आता है आगे हमारे पास आड़ी मांग। आड़ी मांग क्या होता है? जो इन दोनों वैल्यू पर न फिट बैठे, जो शान शौकत की चीजें, फैशन हो गया, जहां आपके एक गाड़ी है दो गाड़ी हो जाए तीन गाड़ी हो जाए जरूरत नहीं है हो जाए, ये चीज हमारे पास क्या होता है? रुच और फैशन पर हमारे पास आड़ी मांग कहते हैं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट मांग। आड़ी मांग, आड़ी मांग बात समझ में आई? जो पैसे के मूल ना हो, वैल्यू मूल प्राइस की ना हो, उसकी कैपेसिटी पर मांग रखता है, ये हमारे पास क्या होता है? रुचि या फैशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डिमांड होती है, बात समझ में आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर से एक बार हम बात करते हैं, आड़ी मांग का मतलब होता है जो पैसे और आय पर कोई चीज नहीं है, जो चीज आपको जरूरत है आप उसको खरीद लेते हो, वो फैशन का दौर हो गया, कोई चीज हमारे पास शौक की चीजें हो गई, ये हमारे आड़ी मांग कर बन जाएगा दोनों चीज। कीमत तो समझ में आया, प्राइस बढ़ना मांग घटना, आय बढ़ना मांग बढ़ना, आड़ी में फैशन और रुच में कोई मतलब पैसा का मोल नहीं, आय की कीमत दोनों चीज लागू नहीं होती, इसमें आपको जो जरूरत है आप खरीदते हो, जहां दो चीज है 4-10 चीज रखते हो, जहां कूलर है एसी लगाते हो, ये सब की चीजों में इवन वागू लागू नहीं होता। जब इसी में दो भाग बांटा गया है, प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापन मतलब होता है जो आपके स्थान पर दूसरा एक चीज और आ जाए, कैसे? जैसे चाय, चाय के स्थान पर क्या आ जाए? कॉफी, चाय के स्थान पर कॉफी, बस समझ में आई? चाय के स्थान पर क्या आ जाए? कॉफी आ जाए, ये प्रतिस्थापन, मतलब एक आप नहीं है कोई दूसरा बंदा वहां काम कर ले, ये भी प्रतिस्थापन है, काम नहीं रोकना चाहिए, चाय नहीं मिले तो कॉफी दे दो भाई, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिले तो माजा दे दो, माजा नहीं मिले तो पेप्सी दे दो, ये चीज आपका है प्रतिस्थापन। पूरक वस्तु, पूरक की बात अभी पिछले चैप्टर में हम कर भी चुके हैं, पूरक वस्तु में मतलब क्या होता है? पूरक वस्तुएं का मतलब होता है जो एक दूसरे पर निर्भर, पेन के साथ स्याही, टीचर के साथ स्टूडेंट, ये सब क्या है? एक दूसरे के पूरक जो है ये सब पूरक है। गाड़ी के साथ पेट्रोल, ये पूरक बन जाएगा, बिल्कुल ये क्लियर हुआ। एक बार फिर से डिमांड, मांग, मांग का अर्थ क्या हुआ? मांग नॉर्मल भाषा में कहें हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी आय के आधार पर हमारी मांग निर्धारित होती है, वैसे कहा जाए तो मांग देश दुनिया में किसी की पूर्ण नहीं हुई, लास्ट मोमेंट तक आदमी मरते दम तक ये कहता है कि हमारी ये इच्छा थी, मांग वहां भी शुरू हो जाती है। पर एक नॉर्मल भाषा में कहें, डिजिट इंफिनिटिव कंडीशन होती है, सब जानते हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं, पर इच्छा जितनी जरूरत होती है उतनी हमारी पूर्ण हो जाए, बहुत इतना ही बड़ी इच्छा है,
मांग का मतलब होता है हमारी मतलब कार के आधार पर हमारी पूर्त होना मांग कहलाती है। क्या कहलाती है? कार के आधार पर हमारी मांग पूर्त होती है, ये कहलाती है। चलिए ठीक है, मांग का मतलब होता है हमारी जरूरत की जो भी वस्तुएं हैं वो मिल जाए, वो हम और मिलने के बाद हमारी मांग पूरा हुई। चलिए इधर एनीवेयर कम टू पॉइंट, आगे इधर देखिए। अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं मांग के निर्धारित तत्व पर। अच्छे से फोकस करिए इसको, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मांग के निर्धारित करने वाले तत्व क्या होते हैं? मांग के निर्धारित करने वाले तत्व, पहला वस्तु की कीमत। देखो हमारे पास यदि वस्तु की कीमत होती है, कीमत का मतलब आप समझ रहे हैं रेट, वस्तु क्या होती है? रेट होता है। वस्तु की कीमत यदि बढ़ रही है तो मांग हमारी घट रही है, यदि वस्तु की कीमत घट रही तो हमारी मांग बढ़ रही है। कोई चीज सस्ता मिलेगा आप ज्यादा खरीदेंगे, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है? उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय क्या होती है? उपभोक्ता की आय का मतलब होता है इनकम उसकी। उपभोक्ता की आय का मतलब क्या होती है? उसकी इनकम। देखो जितना उपभोक्ता पैसा कमाएगा उतने उसकी मांग बढ़ेगी, बिल्कुल ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य होता है जिसके पास जितना पैसा आएगा वही पैसा खर्च करता है, उपभोक्ता का मतलब ये हुआ। जितना आपके पास पैसा रहेगा उतना खर्च करेंगे, नहीं रहेगा तो आप क्या खर्च करेंगे? उपभोक्ता की आय होती है। धन का विवरण, जो पैसा रुपए होता है उसका विवरण दिया जाता है। धन का विवरण मतलब क्या होता है? रुपए पैसे को क्या होता किया जाता है? धन का विवरण। धन का विवरण का मतलब होता है आप क्या है आपके पास कितना पैसा है, क्या है इसका विवरण। आप जैसे मान ले 10 रुपया को मैं आपको देता हूं, धन का विवरण समझ लिया। 10 रुपया में आपने 8 रुपया तक सामान लाया, 2 रुपए आप हमें रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा विवरण ये होगा 8 रुपए की हमारी सामग्री खरीदी गई, 10 रुपए हमने साल में 10 रुपए एक महीना में हमने 10 रुपए कमाते ही है, 8 रुपए खर्च हो गए, बचत कितना 2 रुपए। ये हमें विवरण भी देना चाहिए, हमें पैसा पा कितना रहे हैं, खर्च कितना हो रहा है, सेविंग कितना हो रहा है, ये बहुत जरूरी होता है, ये विवरण देना भी जरूरी है। उपभोक्ता की रुचि, देखो जब कोई बंदा एक फैशन की बात करता है या तो अपने रुचि के अनुसार काम करने तब वो रुचि के अनुसार पैसा नहीं देखा गया, अन्ना रुचि के अनुसार कोई नियम लागू होता है। शान शौकत की चीजें, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, इन पर क्या होता है? रुचि के मतलब होता है उपभोक्ता रुचि नहीं लागू होती, ये चीज बिल्कुल ध्यान। उपभोक्ता रुचि का मतलब होता है हमारी इच्छाएं ऐसे अनंत मतलब काम कर रही हैं, वो रुचि कहलाती है। फिर जनसंख्या, जनसंख्या पॉपुलेशन हमारी इंडिया की बहुत ज्यादा है, जनसंख्या जो हमारे पास ज्यादा होने के कारण यहाँ मांग बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज का कितना भी उत्पादन कर लो मांग बढ़ती रहती है। असस्ती चीज आप देने लगे तो उसकी मांग तो उसको डबल ट्रिपल हो जाती है, ये हमारी मांग जनसंख्या के आधार पर हमारी मांग निर्धारित होती बन जाएगा। वस्तु की कीमत, कीमत बढ़ती है या घटती है मांग उसी पर निर्धारित होती है। उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो ये आपका मांग भी बढ़ेगी, और घट रही है तो मांग भी घटेगी। धन का विवरण, धन का विवरण का मतलब क्या होता है? धन का विवरण का मतलब होता है पैसा आपके पास कितना आता है, इसका आपने खर्च कितना किया, सेविंग किया, ये सब विवरण देना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, रुचि पर क्या होता है आपने ज्यादा से ज्यादा आप जितना मतलब होता है आप फैशन की दुनिया में जीते हैं तो फिर पैसा नहीं देखेंगे, अगर आपका मतलब होता है या नॉर्मल भाषा में बात करें उपभोक्ता की रुचि का मतलब होता है उसकी मांग आदतें। जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो मांग बढ़ती जाती है, जनसंख्या के आधार पर डिमांड पर फैक्ट्री या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इसको पूर्त करने में बहुत अपने आप में गिल्टी फील करने लगती है, संख्या की बढ़ोतरी के कारण होता है। अब मांग की तालिका, एक व्यक्ति की तालिका बात करेंगे फिर 2-3 व्यक्ति की तालिका बात करेंगे। चलिए इधर फोकस करिए, आप हमारे पास दोनों तालिका को अच्छे से फोकस करिए। आप हमारे पास पहला एक व्यक्ति की तालिका क्या कहा मतलब होता है हम कैसे तालिका मांग की बात करेंगे। जैसे हमारी 14 रुपए रेट है, चीनी का रेट तालिका या चीनी का कीमत है, ये मांग की मात्रा है, ठीक है। एक व्यक्ति की बात करेंगे आज, ठीक है। 14 रुपए चीनी है तो कई केजी ले रहे हैं 8 केजी, कई केजी 8 केजी। 15 रुपए पहुंच गया, देख लो 1 केजी सस्ता हो गया, 1 केजी हमने कम कर दिया क्योंकि हमारा पैसा हमने पहले से बताया है मांग में बिल्कुल यही होता है, कटास सत्य है, जैसे कीमत बढ़ेगी मांग हमारी घटेगी।
जैसे हमारी मांग हमारे पास क्या हो जाएगा, कीमत घट जाएगी तो मांग ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे पास देखो 14 से 18, अब देखो ये हमारे पास ये बढ़ रहा है, 14 से 7 हुआ, ये 15 हुआ तो ये 7 हो गया, ये 16 हुआ तो ये 5 हो गया। मतलब प्राइस बढ़ रही है तो हमारी मात्रा भी क्या हो रही, घट रही है, अपोजिट चलेगा। मांग और डिमांड, मांग और पूर्ति एक दूसरे के अपोजिट काम करती है, मांग और सप्लाई, जिसे डिमांड और सप्लाई कहते हैं, बिल्कुल अपोजिट काम करती है, ठीक है। अब बाजार में ले लेते हैं, 14 रुपए का रेट था तो ए पर्सन 8 केजी ले रहा था, बी पर्सन 10 केजी है, 11 केजी ले रहा था, ये 10 टोटल मिला 29 हो रहा है। ये 14 रुपए कहानी है, 15 पहुंचो, देखो ये 8 ले रहा था 7 लेने लगा, 11 ले रहा था 8 ले रहा है, और ये 10 ले रहा था 8 ले रहा है, मतलब होता 23, कुल मिलाकर 6-7 रुपए का डिफरेंट बिल्कुल आ गया। अब देखो 16 रुपए में से देखो, ये जहां 7 ले रहा था 5 लेने लगा, जहां 8 ले रहा 7 ले रहा, जहां 8 ले रहा 6 ले रहा, मतलब 18 हो गया। मतलब होता है चाहे मार्केट के अनुसार देखें, बाजार के अनुसार मूल्य देखें, या चाहे एक व्यक्ति के आधार पर देखें, कंडीशन लागू वही हो। एक वर्ड में आंसर आपका ये आया, कीमत बढ़ेगी तब मांग घटेगी, आज जब मांग मतलब होता है कीमत हमारे पास क्या हो जाए, घट जाए तो मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाए। दो शब्द आपने सीखा, ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, ओके। टॉपिक हमारे पास मांग के नियम, अभी हमने पढ़ा मांग, मांग का एक नॉर्मल भाषा में कहा जाए, मांग की भाषा में बात की जाए, एक नॉर्मल चूज किया जाए, तो मांग का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चीज मांगो उसकी पूर्त हो जाए, वो मांग कहलाती है। मांग हमारी इच्छा पूर्त होना ही हमारी मांग है। मांग के नियम में क्या बताया गया है, नामांग के नियम मतलब होता है जैसे रेट बढ़ता है तो मांग घटती है, रेट घटता है तो मांग बढ़ती है, यदि रेट बढ़ रहा है तो मांग घटेगी, क्योंकि रेट पैसा ज्यादा लग रहा है तो कम लोग खरीदेंगे, और जब कम पैसा सस्ता हो गया तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें परिभाषा मार्शल ने मतलब होता है, एक बार में मांग का नियम का मतलब होता है जो भी माल आय और व्यय, आय में वृद्धि या मांग में वृद्धि या इनके डिक्रीज या इंक्रीज, इन कंडीशन को जांचने के लिए हमने क्या होता है मांग के नियम बनाए। मांग के नियम में क्या परिभाषा, वस्तु देख क्लियर करोगे अच्छे से फोकस इसको करो, वस्तु की जितनी अधिक मात्रा बेची जाएगी बेचने के लिए होती है, जितनी अधिक मात्रा वस्तु को जितना अधिक से अधिक बेचेंगे उससे उतनी ही कम कीमत बेचने के लिए प्रस्तुत करना होगा जिससे हम उसके लिए ग्राहक मिल सके। कहने का मतलब ये होता है, इस पूरे परिभाषा का तात्पर्य एक ही वर्ड हुआ कि जितनी अधिक से अधिक हम मतलब होता है उत्पादन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या अधिक से अधिक कस्टमर होना भी जरूरी है, और कस्टमर मतलब होता है उसमें खरीदने वाले भी लोग होना बहुत जरूरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कहने का मतलब होता है उत्पादन के साथ साथ उसके मूल्य पर वैल्यू रखता है, और मूल्य तो सही है तो हमारे पास खरीदार भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम की मान्यताएं में देखिए पॉइंट हमारे पास करिए, अब उपभोक्ता की आय सामान्य रहती है। जैसे क्या होता है लगभग जो आप जैसे कहा था हर साल, जैसे आपके कुछ जॉब करते हैं आप, पूरे साल भर की सैलरी सेम रहती है, एक आध साल बाद आपको बढ़ती है, पर लगभग लगभग सभी उपभोक्ता की ऐसी ही सैलरी रहती है। कोई है 1 करोड़ आज कमाया तो 5 करोड़ नहीं कमाता, उसमें क्या अपवाद है, 2-4 10% है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें रहता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, पर 90% या 95% लोगों की आय क्या होती है सामान्य रहती है, आय जो है आज वही कल वही आय एक साल बाद। उपभोक्ता के स्वभाव एवं रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये नियम तभी लागू होगा फैशन एवं रुचि या शान शौकत चीजों पर यह नियम लागू नहीं होता, उसकी रुचि एक लिमिट होना चाहिए, एक दायरे में होना चाहिए, पर यदि फैशन पर कोई होता है चीज पर रुचि मतलब होता नियम लागू नहीं है, पहले मांग में पढ़ा चुके हैं, फैशन की चीजों में आदतों में शान शौकत चीजों में यह नियम लागू नहीं होता। अगला पॉइंट, अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो,
देखो यदि वस्तु को बार बार ये चीज परिवर्तन होता है तो भी इसमें नियम लागू नहीं होता, ध्यान रखना परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है उपभोक्ता के आय सामान्य हो, उसकी आदत एवं रुचि में परिवर्तन बार बार ना हो, ये चीज हो गया। अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, ये चीज सब इम्पोर्टेंट है। इधर चलिए अगला आगे पढ़, चौथा पॉइंट देखिए अच्छे से। अब हमारे पास सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज वस्तुओं की किसी नई स्थापित वस्तुओं का पता नहीं लगाना चाहिए। मतलब होता है स्थापना की वस्तु, मतलब होता है उसके स्थान पर कोई वस्तु दूसरी उपयोग नहीं करता तो भी इसमें ज्यादा परिवर्तन कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए पता है चाय के स्थान पर कॉफी, पेन का मतलब होता है पेन आप यूज करते हैं कोई पेन तो दोस्त के स्थान पर कोई भी यूज कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगला हमारे पास टॉपिक होता है वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके प्रयोग में अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसी वस्तु का मतलब होता है बात समझिए, ऐसी वस्तु मांग ये भी कहता है ऐसी वस्तु का भी उपयोग हम मत करो जिससे आपकी प्रतिष्ठा ज्यादा मिले, तब वो क्या होता है वो शान शौकत की चीजें कहलाए, उसकी मूल्य ज्यादा होता है, वो नॉर्मल भाषा में मांग के अंतर्गत नहीं आता। मांग नॉर्मल भाषा मांग के नियम वही लागू हो सकते हैं जो नॉर्मल रेट, नॉर्मल कस्टमर, नॉर्मल बेस, नॉर्मल इनकम कमाने वाले सभी लोगों के लिए बराबर। जैसे सब्जी कोई भी लेने जाए, चाहे अरबपति चाहे करोड़पति चाहे छोटा इंसान चाहे बड़ा इंसान, सबके लिए बराबर है। आई बस जैसे आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं सबके लिए बराबर हो, इन स्थानों पर मांग के नियम लागू हो सकते हैं, पर ये इन स्थानों पर नहीं लागू हो सकते जहां 1 करोड़ देने वाले अलग बैठे, 2 करोड़ अलग बैठे, इन सब पर नियम लागू नहीं होता। ज्यादा पैसा होना भी हमारे लिए क्या होता है उसकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ाता। ओके अब हमारे पास देखो मांग के व्याख्या के लिए इधर देखिए फोकस करिए इसको। अब हमारे पास मांग के नियम की व्याख्या कौन कौन सी उपयोगिता होती है इसमें नाम समझिएगा पॉइंट। पहला उपभोक्ता हास्य नियम, हम इसके बारे में व्याख्या करें। उपयोगिता हास्य नियम का मतलब होता है जो चीज हम उपयोग करते हैं उसमें हमेशा जब कमियां आने लगे उपयोगिता हास्य नियम कहलाता है। बस जैसे आप कोई भी सामग्री यूज करते हैं उसमें जो भी कमियां आए कस्टमर अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग कहीं कमियां आए उपभोक्ता मतलब होता है हास्य नियम कहलाता है। क्या कहलाता है हास्य नियम, ये हास्य है हास्य नियम। हास्य मतलब ऐसे भी शब्द होता है जो भी प्रॉपर्टी या संपत्ति में कमी हो, यहाँ डिमांड और है कंज्यूमर कस्टमर डिमांड में कमियां हो हास्य कहलाएगा। प्रतिस्थापन का प्रभाव, प्रतिस्थापन का मतलब होता है इस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा चाय के स्थान पर कॉफी, ठीक है पेन के स्थान पर कोई दूसरा पेन, जैसे आप फ्यूजन का यूज करते हैं तो आप सेलो को यूज करने लगे उसके स्थान पर किसी भी, है ना। अब हमारे पास आय का प्रभाव, आय का प्रभाव क्या होता है जब आय बढ़ेगी तो मांग, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, आय घटेगी देखो आय बढ़ गई तो मांग भी हमारे ऑटोमेटिक, पैसा हमारे पास ज्यादा आएगा तो हमारी मांग भी बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए आपका रेट घट गया, रेट बढ़ गई, रेट क्या हुआ घट गया तो स्वाभाविक है मांग भी हमारी पास क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि या कमी, इनमें हमारे पास क्या होता है कभी कभी जैसे मान लीजिए किसी के किसी प्रोडक्ट आप किसी कोई चीज करते हो आप उसके कस्टमर बहुत कम तब भी मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसी ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब आज गर्मी का टाइम है प्याज सब घर में तैयार हो गई किसानों के तान, उसका रेट क्या होगा ऑटोमेटिक क्या हो जाए 2 रुपए 4 रुपए भी बेचने लगती है। पर ये चीज का क्रेता की संख्या जब माल का प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए और क्रेता कम हो जाए खरीदार कम हो जाए तब फिर ऑलरेडी उसकी कीमत अपने आप ऑटोमेटिक घट जाएगी। इधर लास्ट पॉइंट देखिए, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद क्या है, अपवाद का मतलब होता है डिफरेंट चीज है। गिफिंग का विरोध भाषा, ये परिभाषा मतलब होता है विरोधाभाषा क्यों करते हैं, ये कहते हैं जैसे विलासिता जीवन या बड़े लोग इन पर भी ये नियम लागू होना चाहिए, पर ये ऐसा इसे असंभव नहीं है क्योंकि कोई आपको मान लीजिए मारकर 1 की जरूरत है आप 10 रखें क्या जरूरत है आपको, ये सही बात है ऐसी नहीं करनी चाहिए। भविष्य के मूल्य में वृद्धि या क्या आशंका,
भविष्य को सोचकर भी ये नियम लागू नहीं होते। गिफिंग के नियम का विरोधाभास है, इसके पर नियम लागू नहीं होते। यदि भविष्य में रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, इस पर भी नियम लागू नहीं होते। पहचान सूचित जो वस्तुएं जो प्रतिष्ठा ईमान और सम्मान को बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप दो करों के हीरे पहन लीजिए, ये प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे पर मान के अंतर्गत ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये शौक की चीजें होती है, इसलिए आपका प्रतिष्ठा का अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अज्ञात के कारण कोई हमें नहीं जानते हैं उसको पैसा ज्यादा कीमत देकर चले आए, ये भी हमारे पास कमियां हैं। तो कहने का दादा नियम का मतलब ये हुआ जो भी सामान्य परिस्थितियों में सामान्य लोगों के आधार पर ये नियम लागू होता है, उसका मतलब होता है मांग के नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मांग के नियम। हो गया, इसको आप कंप्लीट करिए, है ना, दोनों चीज क्लियर हो एक बार, ठीक है, आप फोकस अच्छे से कर लीजिए, इसको कंप्लीट करके हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक आगे बात हो, चलो अगला टॉपिक इसी में हमारा सेकंड टॉपिक आता है मांग की लोच। ये मांग की लोच एलेसिटी डिमांड ऑफ डिमांड, एलेसिटी डिमांड क्या होता है, मांग की लोच होती क्या है। लोच का मतलब एक साहित्यिक भाषा में कहा जाए, साहित्यिक परिवर्तन कर दे सर कहा जाए तो बोला जाए तो क्या कीमत में परिवर्तन होता है, क्या आय में परिवर्तन होता है या क्या आड़ी मांग में परिवर्तन, ये सब उसकी कंडीशन है। बात समझिएगा अच्छे से, देखिए इधर क्लियर है। मांग के नियम हमें कीमत में परिवर्तन की दशा का बोध कराते हैं। मांग में समझिएगा, मांग के नियम में हमें कीमत में परिवर्तन की दशा का बोध कराते हैं। मांग में जो परिवर्तन जो नियम होते हैं वो परिवर्तन का बोध कराते हैं, मतलब होता है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी परिवर्तन को बोध कराते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट, मतलब तो मांग कम हो जाती है, यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। ये हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि पहला क्लियर हुआ टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, यदि किसी जैसे मान लीजिए पेन है, पेन का रेट 10 रुपया था, अब यही पेन 10 रुपया था तो हमने 5 खरीदते थे, अब यही 15 हो गया तो हम क्या खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, रेट घट रहा है, मतलब होता है रेट बढ़, देखो रेट ये बढ़ा तो हमारे मतलब होता है क्वांटिटी घटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगला फोकस करिए मांग के लोच के प्रकार, मांग के लोच के प्रकार, प्रकार में देखिए मांग की कीमत लोच कौन कौन प्रकार होते हैं, 3 ये हम आगे पढ़ चुके हैं, पर बस एक शब्द आ गया है लोच वाला, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो शब्द है ये आपका आ गया है। मांग की लोच और मांग के, मतलब मांग की कीमत लोच और मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच, ये तीनों बिंदु पर हम फोकस करेंगे। आगे हम बात करते हैं मांग की कीमत लोच, ये मांग की कीमत लोच क्या है, अभी हम जो पढ़ चुके हैं ध्यान से बताए ना, यदि कीमत बढ़, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यदि वस्तु की कीमत घट जाए, कम हो जाए तो मांग क्या हो जाएगी, मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो बस वही चीज, मांग की कीमत मतलब होता है रेट बढ़ना, रेट बढ़ना, यदि किसी चीज का रेट बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है हम कम खरीदेंगे, यदि किसी चीज का रेट घट रहा है तो हम स्वाभाविक ज्यादा खरीदेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स देखिए प्रकार कौन कौन होते हैं, प्रकार में बात करेंगे, देखिए यहां फोकस करिए इसको पूर्णता है, पूर्ण लोचदार मांग, पूर्ण लोचदार मांग क्या है, पूर्ण लोचदार मांग क्या है, पूर्ण लोचदार मांग में हमारे सब समझिएगा अच्छे से, पूर्ण लोचदार मांग का मतलब होता है कोई भी एक वर्ड में ऐसे नॉर्मल भाषा में कहा जाए जिसकी मांग अत्यंत अधिक, ना मांग में परिवर्तन, मांग में नहीं परिवर्तन ना उसमें परिवर्तन, मतलब दोनों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, जैसे रेट भी बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ी, थोड़ा बहुत अंतर आए,
ऐसी मांग को हम पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। कैसे? क्लियर करिएगा। जब किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन ना होने पर या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन, मान लीजिए वस्तु की कीमत में और उसके मूल्य में थोड़ा सूक्ष्म मतलब थोड़ा परिवर्तन होने पर भी मांग में अत्यंत परिवर्तन हो जाता, अत्यधिक परिवर्तन हो जाता, इन दोनों कंडीशन है, कीमत में कम परिवर्तन हुआ, सूक्ष्म परिवर्तन हो होने पर भी मांग अत्यधिक परिवर्तन हो जाती है, तब पूर्ण लोचदार मांग कहलाए। इक्वल इन्फिनेटिव मतलब होता है एलेसिटी, जो डिमांड होती है इन्फिनेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, इसको समझाइएगा, इसको आप देखिए एक्स और वाई फोकस है। अब हमारे पास ये जैसे ये प्राइस है, प्राइस बढ़ती जा रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ती रह जाए, ये दोनों पैलर लगभग बराबर, तो कहने का मतलब होगा, मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी दोनों बराबर चल रहे, ठीक है, समझ में आ गया। जब किसी, एक बार फिर क्लियर करिए पूर्ण लोच में, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, अत्यंत परिवर्तन होने पर भी मांग अधिक में परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन देखो परिवर्तन ना होने पर भी सूक्ष्म परिवर्तन हो जाए पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए, काहे में मांग, हम कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए पर बहुत कम हुआ, पर मांग में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो गया, इन्फिनिटिव कर गया, तब उसे पूर्ण लोचदार मांग है। बात समझ में आई? कहने का मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, थोड़ा भी है पर मांग में परिवर्तन ज्यादा है, तब पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। बात क्लियर हुई? अगला पॉइंट फोकस करिए, अगला पॉइंट देखिए, अत्यधिक लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार, क्लियर है, अत्यधिक लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार बात बता ही रहा है, अत्यधिक मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा। अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज, हमारे पास इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन हमारे पास क्या होता है, जब किसी वस्तु की मांग, क्लियर करिएगा, जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत के होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो जाए। देखो वस्तु की कीमत के अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की जो कीमत है उससे कहीं अनुपातिक परिवर्तन अधिक हो जाए, मतलब ओवर अधिक हो जाए, तो उसे हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। कहने का मतलब होता है इन्फिनिट मतलब होता है एलेक्सिटी ग्रेटर देन वन, मतलब होता है बड़ी मांग, मतलब होता है इससे मतलब एलेक्सिटी से वन प्राइस क्या हो बड़ा है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है ये सब डिमांड वन आपका, देखो डिमांड प्राइस है ये आपका दोनों चीज है, ये हमारे पास क्या होता है बड़ा मतलब होता है बड़ा कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी वन प्लस कहलाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ई कहलाता है ग्रेटर देन वन, मतलब होता है लोच एक से बड़ा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है अगला पॉइंट देखिए, फोकस करिए यहां, लोचदार, लोचदार की मांग। अब लोचदार तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, पहला पॉइंट समझ गया, अत्यंत अधिक वस्तु के किसी परिवर्तन हो पर अनुपातिक परिवर्तन में अधिक परिवर्तन हो, जैसे पहले वाले में क्या पढ़े आपने, परिवर्तन बिल्कुल सूक्ष्म परिवर्तन हो पर उसके मांग में अधिक परिवर्तन हो, पैसा में थोड़ा परिवर्तन हो पर उसके मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाए, अत्यधिक लोच में हम क्या करते हैं, जब किसी वस्तु की अनुपातिक परिवर्तन हो उसकी कीमत में पर अनुपातिक परिवर्तन से अधिक परिवर्तन हो जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, अधिक लोच मांग, ठीक है, लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन हो, कहने का मतलब होता है वस्तु के में परिवर्तन और उसके प्राइस में भी परिवर्तन, कीमत में भी परिवर्तन यथा उचित हो जाए, मतलब कहने का मतलब जो जितना वस्तु बढ़े उतना रेट बढ़े, दोनों बराबर हो जाए, तो हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल वन कहलाता है, मतलब कहने का मतलब होता है प्राइस और कीमत, प्राइस और डिमांड हमारे दोनों क्या है बराबर, ओके, ये चीज क्लियर हुआ, कितने पढ़ा, पूर्ण लोचदार, अत्यंत लोचदार और लोचदार, ठीक है, ये चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक होता है इसमें बेलोचदार, बेलोचदार क्या होता है, वो ग्रेटर देन वन का मतलब होता है ये प्राइस की बढ़ोतरी होती है तो कीमत की बढ़ोतरी होती है, ग्रेटर देन इन्फिनिटी वन कहलाता है, मतलब होता है इससे बड़ा वन होता है, बेलोचदार वो कहलाती है।
आपको इसमें रेडी कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं लोच की, आय की लोच, आय की लोच। अभी हम कीमत की लोच कर रहे थे, कीमत का मतलब होता है प्राइस से, आय की लोच का मतलब हुआ लाय की लोच मतलब हमारे आय से, आय की लोच की मांग अन्य बातों में के सामान रहने पर आम आम के परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन की दर को आय की मांग से लोचदार मांग कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है समझिएगा, कहने का तात्पर्य, कहने का मीन्स हमारे पास ये वर्ड हुआ, जो भी आय का मतलब जब हमारी आय बढ़ती है, अर्निंग बढ़ती है, तो स्वाभाविक बात है हमारी जब आय बढ़ेगी तो हमारी मांग भी बढ़ती है। जब आय बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो हमारे पास एक परिवर्तन की दर को आय की मांग से लोचदार मांग कहते हैं, आप उसे लोच मांग कहते हैं, ठीक है, आय लोच मांग कहते हैं। कहने का मतलब होता है, अन्य मतलब होता है आय भी है मांग भी, दोनों लगभग लगभग इक्वल चले, जैसे हमारा रेट बढ़ा हमारी आय भी बढ़ी, ऐसे हमारे कंडीशन लो मतलब बिल्कुल क्या चले बराबर चले, आय के अनुसार हमारी मांग भी बढ़ती जाए, यह हमारी लोचदार मांग कहलाती है। अब आड़ी मांग, आड़ी मांग में दो मांग होती है, एक होती है प्रतिस्थापन, एक होती है पूरक। पिछले वाले हम जब तक पढ़ा चुके हैं, प्रतिस्थापन का मतलब जैसे चाय के स्थान पर कॉफी, पूरक का मतलब होता है, इसमें दो हम पढ़े थे, सिर्फ लोच परिवर्तन, लोच शब्द जुड़ा है नया, बस कि मतलब मांग की आड़ी बस था, वहां लोच शब्द जुड़ गया, बस थोड़ा सा उसी को बताना है। अब हमारे पास है, अब हम बात करते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। अब मांग की आड़ी लोच समझ में आए, ऐसी मांग जिसमें एक स्थान पर, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जाए, जैसे इस मार्कर के स्थान पर कोई दूसरा मार्कर उपयोग कर लिया जाए, इस स्थान पर मतलब दूसरा मार्कर उपयोग कर लिया जाए, तो हमारे पास आड़ी मांग कहलाए, ठीक है। अभी इसके प्रभाव तत्व देखिए, वस्तु की प्रकृति, पहला वस्तु की प्रकृति क्या होती है, वस्तु की प्रकृति दोनों की सेम होनी चाहिए, जैसे चाय के स्थान पर कॉफी, ये क्या है वस्तु की प्रकृति सेम। पेन मार्कर के स्थान पर दूसरा मतलब यूज होगा, भले डिफरेंट मान लीजिए इसका रेट है, मान लीजिए 40 रुपए है, आपका मतलब है आपका मार्कर का रेट 30 रुपए है, इनमें रेट में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, पर क्वालिटी में डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, ऐसी मांग को हमारे मतलब वस्तु की प्रकृति, स्थापना वस्तु की उपलब्धता, वही बात आ गई। स्थापना का मतलब होता है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग कर लिया जाए, हमारा काम चल जाए, कोई दिक्कत हमें ना हो, ऐसी कंडीशन हमारे पास क्या होती ये चीज है। अगला हमारे पास होता है वस्तु के अनेक प्रयोग, वस्तु के क्या कर दिया जाए अनेक प्रयोग, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी अनेक वस्तु का हम उपयोग कर सकते हैं, ये आड़ी मांग की बात होती है, कोई भी वस्तु इसके स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं, वस्तु के प्रयोग को स्थगित करने के संभव, जैसे हम मान लीजिए मार्कर नहीं है, दूसरा मार्कर यूज कर लें या तीसरा मार्कर यूज कर लें, उसको हम नहीं है स्थगित कर दे भाई, चलो ये नहीं है तो दूसरा यूज कर लो, स्थगित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होती। संयुक्त मांग, संयुक्त का मांग का मतलब होता है पूरे लोगों की डिमांड, सब लोगों, ये हमारे पास संयुक्त मांग कहलाती है, मांग की लोच कहलाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ओके बात क्लियर हुई, ये मांग तीन, मांग तीन प्रकार थे, पहला हमने हमारे कीमत, फिर आय की लोच, फिर आड़ी लोच, ये हमारा बिंदु लगभग लगभग टॉपिक खत्म होता है। मांग की लोच की महत्व, इंपॉर्टेंट क्या है इसके, सबसे बड़ी चीज हमारे पास महत्व क्या होता है, मूल सिद्धांत में महत्व, मूल सिद्धांत के महत्व का मतलब होता है जैसे मांग का एक सिद्धांत नियम बना है, मांग के लोच का नियम बना है कि जो भी मूल्य में परिवर्तन होता है, इन परिवर्तनों को सही तरीके से उसके वैल्यूएशन को जांचना, उसके क्वालिटी को जांचना, हमारे पास उसके क्वालिटी को जांचना मूल सिद्धांत के महत्व कहलाती है, क्या कहलाती है मूल सिद्धांत में महत्व कहलाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा चीज हमारे पास होता है वितरण के सिद्धांत को महत्व, वितरण के सिद्धांत को महत्व, वितरण के सिद्धांत का महत्व हमारे पास क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज
सिद्धांत में महत्व, वितरण के सिद्धांत में महत्व का मतलब क्या होता है? वितरण का मतलब होता है किसी चीज का बंटवारा, किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मान लो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग माहौल, अलग अलग वैल्यूएशन होते हैं। जैसे मान लीजिए हर क्षेत्र में अलग अलग क्वालिटी मेंटेन है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है, आपके आपके बारे में, ए के बारे में बात करें, बी बी के बारे में, फिर सी बारे में टीम, ये विवरण कहलाते हैं। ए के बारे में क्या पोजीशन है, बी की क्या पोजीशन है, ये विवरण। इसी तरह सिद्धांत ये बना कि जो प्रोडक्ट, जो प्राइस उठाएगा, जिसके प्रोडक्ट उठाएगा, उसके अलग अलग वैल्यूएशन बनती है, अलग अलग महत्व होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर अगला थर्ड पॉइंट, सरकार के लिए महत्व क्या होता है? सरकार मतलब होता है गवर्नमेंट के लिए। जैसे डिमांड में सरकार के लिए क्या बेनिफिट होता है? स्वाभाविक बात है, जिस चीज की मांग बढ़ेगी, जिसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी कंडीशन बढ़ेगी, उसकी वैल्यूएशन अलग अलग हमारे पास क्वालिटी मेंटेन होती है। तो हमारे पास क्या होता है, सरकार के लिए पहले पर हमारे पास करों को निर्धारित करने में सहायक, जिसे हमें टैक्स लेना है या देना है, इसका निर्धारण हम आपका मांग के आधार पर करते थे। और उसके बहुत बड़ा बेनिफिट भी होता है इसका, यदि इसके निर्धारण नहीं करेंगे तो टैक्स कैसे लिया जाए, कैसे दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है पब्लिक प्लेस जो होता है, जिसे गवर्नमेंट प्लेस कहते हैं, इसका भी हमारे पास क्या होता है, मांग की लोच के आधार पर ही निर्धारण होता है। ये चीज हमारे पास यातायात उद्योग में महत्व, जैसे मान लीजिए ज्यादा ट्रेवलिंग की जरूरत है, ज्यादा हमें गाड़ियों की जरूरत है या ज्यादा साधनों की जरूरत है, तो यह हमारे यातायात का मतलब होता है, आने जाने वाली कंडीशन को हमारे पास क्या करता है, वैल्यूएशन करता है। लास्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्व। जब हमारी यहाँ अच्छी पोजीशन बन गई, हम मांग को पूर्ण कर ले रहे हैं, तो हमारे पास ये आता है कि हम क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अपना फॉरेन में या इंडिया से बाहर कहीं भी सामान क्या होता है, सप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ, सबसे खास वैल्यू आगे समझा। अंतरराष्ट्रीय का मतलब भारत देश में सप्लाई होने के बाद जैसा मटेरियल बहुत ज्यादा बच रहा है, इसको हम बाहर भी सप्लाई करते हैं। इस कारण भी सप्लाई बाहर करते हैं कि वहाँ अच्छा खासा रेट भी मिल रहा है, इस कारण से भी हम सप्लाई कर देते हैं। या फिर हमारे यहाँ से मूल्य, जैसे मान लीजिए यहाँ की कोई चीज 10 रुपए में बेच रही है, वहाँ 50 में बेच रही है, तो हम इस कारण भी सप्लाई बाहर करते हैं। विदेश फॉरेन कंडीशन हम यही चूज करते हैं। ओके, बात ये हमारे टॉपिक लगभग लगभग क्या हुआ, क्लोज। Yeah.